थिएटर में हम लोग बैठे हुए हैं और अभी मूवी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो दिखाते हैं मूवी कैसे स्टार्ट हुआ। सारी लैंग्वेजेस बोल लेती हो, हर तरह का खाना बना लेती हो, पहली बार सिगरेट पीती हो और खांसती भी नहीं हो। तुम लड़की हो या मेरा टाकिच मजाक कर रही हो या लाइन मार रही हो? लाइन मार रही। मेरे मन में सिफरा के लिए फीलिंग्स डेवलप हो गई हैं और ये जानने के बाद भी कि वो रोबोट है वो जान ही रही है। एक बात पूछूं, रोबोट होना बुरी बात है क्या? बिल्कुल नहीं। तो फिर आज तो लग रहा है पूरे दिन के सर मिली जनता बिना रिव्यू देकर भाग रही है भाई, देख सकते हो, क्योंकि ये लोग कपल के साथ गए थे इसलिए इन्होंने रिव्यू देने से मना किया। कोई बात नहीं, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। व्लॉग शुरू करने से पहले मैं भोलेनाथ का नाम लूंगा, आज का व्लॉग करते हैं बैंकर, बोलो जय शिव शंकर। और तो भैया पूछते हैं भाई लोगों से पिक्चर कैसी लगी इन लोगों को। श्री राम भाई लोग, जय श्री राम। भैया कैसी लगी है शाहिद कपूर की तेरी बातों में ऐसा उलझा? नॉर्मल भाई, नॉर्मल एवरेज थी मूवी भाई। ए क्लास भाई, ए क्लास मूवी है, बी क्लास मूवी है, सी क्लास मूवी है? मतलब ए क्लास में फैमिली वाली होती है, बी क्लास में एडल्ट वाली होती है। ए क्लास है भाई, ए क्लास है, फैमिली के साथ देख सकते हो ना? देख सकते हैं। तो किसिंग किसिंग सीन है कि नहीं भाई? नॉर्मल नॉर्मल किसिंग सीन, एक दो सीन है बाकी वाली। तो भाई इसमें कृति सैनन रोबोट होती है क्या? बिल्कुल भाई। भाई कितने स्टार दोगे 5 में से भाई लोग? थ्री स्टार। टू स्टार किस लिए कम कर रहे हो? कि थिएटर में कोई कमी है या फिर मूवी में कमी है भाई? मूवी में कमी थी क्या नाम, सिर्फ गाने गाने भी एक गाना अच्छा सिर्फ है और कुछ नहीं, गाने बाकी जितने थे एवरेज थे। और क्या नाम, मूवी में भी उतना जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं मिला, उतना मजा नहीं आया। इससे बेहतर थी गणपत, इससे बेहतर थी गणपत। गणपत थी उसी टाइप से लेकिन गणपत थी बेहतर। भाई गर्लफ्रेंड नहीं लिया इसीलिए मजा नहीं आई, वैलेंटाइन डे वीक चल रहा था भाई। तो भाई आगे लोगों से पूछते हैं, तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। तो भैया कैसा आपको पिक्चर लगा तेरी बातों में ऐसा उलझा भाई? मूवी बहुत अच्छी है, कृति सैनन है, शाहिद कपूर है, बहुत अच्छी मूवी है। तो भैया 5 में से कितने स्टार दोगे आप? 5 में से 5। तो ये भैया हरदोई की जनता का रिव्यू है, आगे किसी और से पूछते हैं। भैया राम राम। तो भैया आपको ये तेरी बातों में ऐसा उलझा कैसी पिक्चर लगी आपको? बहुत बढ़िया भैया। तो भैया ये फैमिलीदार मूवी है या फिर एडल्ट वाली मूवी है? नहीं देख सकती फैमिली, देख सकती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भैया कितने स्टार दोगे आप 5 में से? 3 स्टार दे देंगे 3 स्टार। 2 स्टार भाई, कुछ थिएटर में कमी है मूवी में कमी है? नहीं थिएटर में कमी है, थिएटर में कमी है। तो फिर आगे और लोगों से पूछते हैं भाई। राधे राधे भैया। राधे राधे भैया। तो भैया ये तेरी बातों में ऐसा उलझा मूवी आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी है भाई। कितने स्टार दोगे भाई 5 में से? कितने स्टार दोगे आप? 3 स्टार। 2 स्टार आप भी काट रहे हो, क्यों भाई, क्या बात है? ऐसा देखी नहीं इसलिए। मतलब थिएटर नहीं अच्छा है कि मूवी अच्छी नहीं है भाई? नहीं मूवी अच्छी है, थिएटर अच्छा लगता है, सब अच्छा है। तब भी भाई भाई का मानना है कि 2 स्टार हम काटेंगे। तो आगे लोगों से पूछते। राम राम भाई। राम राम। राम राम भाई, शुभ नाम क्या है आपका? अरे भाई कोई बात नहीं, चलो मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है भाई, तेरी बातों में ऐसा उलझा कैसी लगी पिक्चर आपको? भाई ये पिक्चर का नाम है जहाँ आप चलचित्र मंदिर में खड़े हो बड़े भाई, वहाँ यही पिक्चर चलेगी थोड़ी देर के बाद। तो अभी देखी नहीं ना, देखेंगे फिर बताएं। तो भैया ये देख यार, यहाँ पर साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। तो बताते हैं यहाँ का कैसा क्या रहा 12 से 3 बजे वाला शो। 12 से 3 बजे वाले शो में बिके होंगे टिकट मात्र, यार भाई हरदोई का थिएटर ज़्यादा चल नहीं रहा है इस समय, लोग नहीं आ रहे हैं, वैलेंटाइन डे वीक था और लोग कपल्स के साथ आए हुए थे इसलिए रिव्यू देने से भी मना किया लोगों ने। और एक्चुअली बात यह है कि भाई 10 या 15 लोग ही गए होंगे थिएटर में, इस कारणवश केवल 2-3 लोगों ने रिव्यू दिया। हालांकि लोगों के अनुसार मूवी अच्छी है, लोगों ने 5 में से 3 स्टार दिए हैं इस मूवी को, और 5 में से 3 स्टार इसलिए दिए गए हैं क्योंकि ये मूवी थोड़ी तो अच्छी है भाई, और फैमिली वाली मूवी है, किसिंग सीन भी कम है, काफ़ी अच्छा अभिनय किया है शाहिद कपूर ने, और इसमें हीरोइन जो है जिसका नाम है कृति सैनन, काफ़ी अच्छा उन्होंने अभिनय किया है। तो अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे तड़कते फड़कते एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।